नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी प्रीमियम 2 BHK दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ऊपर जाके देख लेते हैं अपना फ्लैट कैसा है, बाकी का जो भी बातें हैं हम ऊपर जाके कर लेते हैं। तो अभी हम आए हैं बिल्डिंग के अंदर। तो आप देख सकते हो बिल्डिंग के अंदर काफ़ी बड़ा लॉबी स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। एक फ्लोर पर 6 फ्लैट मिलते हैं। जो लॉबी स्पेस एरिया है वो काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे लोग रहने के लिए भी आ गए हैं। अभी कुछ यूनिट बचा है, तो चलिए अभी जाके देख लेते हैं अपना जो फ्लैट है वो किस टाइप का रहेगा। ये रहेगा हमारा फ्लैट। तो चलिए ओपन करते हैं अपना डोर और देख लेते हैं फ्लैट को। तो ये रहेगा आपका हॉल, काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेसियस हॉल आपको यहाँ पे मिलता है। लगभग आपको ये जो एरिया है 700+ स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और देख सकते हो जो बॉक्स टाइप का हॉल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। सामने आपका डाइनिंग स्पेस के लिए भी स्पेस मिल जाता है। इस साइड में आप टीवी लगा सकते हो, इस साइड में आपको सोफा लगाने के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और जो फ्लैट है अपना रोड फेस है, तो रोड फेस होने के कारण आपको काफ़ी अच्छी घर के अंदर वेंटिलेशन और हवा आ जाती है। आप देख सकते हो जो फ्लैट का जो स्पेस है जो हॉल का वो काफ़ी अच्छा लगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम वास्तु की प्रॉपर वास्तु की बात करेंगे तो ये जो फ्लैट है परफेक्ट वास्तु में आपका आ जाता है। अगर नहीं को किचन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्लैट का जो आपका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लगता है। साइज़ में काफ़ी बड़ा फ्लैट देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हो इस साइड में रहेगा अपना किचन। जैसे मैंने बोला आपको किचन जो है वो प्रॉपर अग्ने को आ जाता है, तो आपका जो स्पेस यूटिलाइज करने के लिए मिल जाता है वो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए किचन को समझ लेते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे आपका मिलता है किचन। किचन के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 प्लेटफॉर्म है किचन के अंदर। आपको चारों ओर से टाइल्स मिल जाता है, वॉल टू वॉल टाइल्स आपको यहाँ पे मिलता है। जो ग्रेनाइट यूज किया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। जो डिज़ाइन इन्होंने काम किया वो काफ़ी अच्छा है। किचन को अटैच बड़ी बालकनी भी आपको यहाँ पे मिलती है। अब जो बालकनी है आपको ये कनेक्ट है डायरेक्ट अपने बेडरूम को। आप देख सकते हो आप यहाँ पे जो बालकनी है काफ़ी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और किचन भी काफ़ी बड़ा है। सामने आपका 24 मीटर का रोड रहता है, बाजू में एक सर्कल है। अपना जो फ्लैट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। जो अगर देखना है प्रॉपर्टी तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके एक बार अपना विजिट जरूर कन्फर्म कीजिए। जो प्रॉपर्टी वो टाइटल क्लियर है, रिटर्न है उसी रिसीव्ड है, तो सभी लोग यहाँ पे रहने भी आ चुके हैं। तो आपको विजिट करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके एक बार अपना विजिट कंफर्म जरूर कीजिए। तो चलिए अभी अपने बाकी फ्लैट को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी हॉल देखा, साइड में किचन देखा, इस साइड में रहेगा अपना कॉमन बेडरूम, काफ़ी बड़ा है और मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी अपने कॉमन बेडरूम। तो ये रहेगा हमारा कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम की अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो लगभग आपको ये 10x11 के करीब आपको एक साइज़ मिल जाता है कॉमन बेडरूम के अंदर। और यहाँ पे अटैच आपको 2 फीट का फ्लावर बेड भी मिल जाता है। साइज़ काफ़ी बड़ा लगा, बॉक्सी टाइप का कॉमन बेडरूम है। जो पैसेज एरिया है फ्लैट के अंदर वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको 2 हैंड वॉश बेसिन मिल जाते हैं, अंदर एक और बाहर एक। यहाँ पे तो ये रहेगा आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम, काफ़ी बड़ा और काफ़ी लैविश है। अटैच आपको यहाँ पे एक डक्टेरिया मिल जाता है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। टॉयलेट का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी स्पेसियस है। और चलते हैं अभी अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। तो आप देख सकते हो ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे मास्टर बेडरूम की अगर साइज़ की बात करेंगे तो ये लगभग 10x13 का मास्टर बेडरूम करीब आ जाएगा। यहाँ पे आपको अटैच 2 फीट का फ्लावर बेड भी है। और ये जो फ्लैट है अपना रहेगा रोड फेस, तो आपको हवा वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हो जो स्पेस है जो फ्लैट के अंदर वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी बड़ा फ्लैट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्चुअल में भी आओगे विजिट करोगे तो भी आपको ये फ्लैट एज इट इज जैसा ही लगेगा। ये रहेगा अटैच बाथरूम जो हमारे बेडरूम के अंदर अटैच है, मास्टर बेडरूम के अंदर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ इन्होंने ये वर्कआउट किया है। यहाँ पे आपको जैगवार फिटिंग मिल जाती है, काफ़ी ब्रांडेड क्वालिटी की। यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए भी स्पेस मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे फ्लैट के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे वेस्टेज स्पेस आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। जो भी प्रॉपर इन्होंने अपना जो फ्लैट है वो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है, तो आपको प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर
प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि जो स्पेस आपको यूटिलाइज करने के लिए मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा फ्लैट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सामने आपका हॉल, साइड में किचन, एक बेडरूम, यहाँ पे भी एक मास्टर बेडरूम, सभी फ्लैट आपको रोड फेस मिल जाता है, तो हवा वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी आ जाती है। विजिट करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके एक बार विजिट जरूर कीजिए। बाथरूम के पीछे भी आपको, दोनों टॉयलेट बाथरूम के पीछे आपको यहाँ पे डक्ट एरिया मिल जाता है, तो आपको वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। आपका कॉमन बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लैविश है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बेड वार्डरोब बनाने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चलते हैं अपने हॉल को समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले बता ही आपको, ये 10 बाय करीब आपको 18-19 के करीब आपको ऐसी लंबाई मिल जाता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको जो साइज मिलता है हॉल के अंदर वो काफ़ी बड़ा और स्पेस ही मिल जाता है। आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइड वाला जो किचन है, जैसे पहले भी देखा, फिर भी और एक बार देख लीजिए, जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। जो स्पेस मिलता है दोनों के बीच में वो भी काफ़ी बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।